वेलकम टू द एम्परर जोन्स बाय यूजीन ओनील इंट्रोडक्शन पार्ट टू। नाटक द एम्परर जोन्स, जिसके नाटककार यूजीन ओनील हैं, के परिचय के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इन द अर्लियर पार्ट वी हैव सीन अ फ्यू पॉइंट्स लाइक द मीनिंग ऑफ एफ्रो अमेरिकन एंड हाउ द प्ले हैज बीन रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ ब्रूटस जोन्स और द एक्सपीरियंसेस ऑफ ब्रूटस जोन्स। पिछले वीडियो में हमने कुछ बिंदु देखे थे, जैसे एफ्रो अमेरिकन का अर्थ क्या है और कहानी का स्रोत क्या है। ब्रूटस जोन्स के जीवन की कहानी या अनुभव के आधार पर ये नाटक लिखा गया है। एंड हाउ द प्रोटेगोनिस्ट ही किल्स अनदर ब्लैक फ्रेंड विद हुम ही वॉज प्लेइंग अ डाइस गेम इन द प्रोसेस ऑफ द गेम। एक और मुख्य बात वहां पर हमने देखी है कि हमारे प्रोटेगोनिस्ट या हीरो ने, मुख्य पात्र ने, डाइस गेम खेलते समय अपने एक साथी का मर्डर कर दिया था, हत्या कर दी थी, और उसके कारण उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ था। ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर दिस मर्डर। देन वी सॉ दैट ही रैन अवे फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट and took he hid himself in the Caribbean island। फिर हमने ये देखा कि ब्रूटस जोन्स की कहानी पर आधारित इस नाटक का मुख्य पात्र प्रोटेगोनिस्ट अपने साथी को मारने के बाद जेल में जाता है और जेल से बचकर ये भाग निकलता है, छुपकर भाग निकलता है और कैरेबियन आइलैंड की तरफ चला जाता है। द कैरेबियन आइलैंड इज सराउंडेड बाय ऑल द अदर शोर्स ऑफ अमेरिका और ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अमेरिका। ये कैरेबियन आइलैंड की एक विशेषता ये है कि ये अमेरिका के कई अन्य भागों के साथ बहुत सुविधाजनक तरीके से जुड़ा हुआ है। And he establishes himself as the emperor at that place. वहां जाकर ये अपने आप को emperor या सम्राट के रूप में स्थापित कर लेता है। Now we will see part टू of the introduction, which is in continuation of part वन। अब हम परिचय का भाग दो देखेंगे, जो कि पिछले भाग के continuation में ही चल रहा है। The play recounts the story of Jones in flashbacks and recollections as Brutus makes his way through the jungle. Now the play has been written in flashbacks and recollections. The framing of the storyline is such. The structure of the storyline is such. यहाँ पर जो प्रारूप या ढांचा चुना गया है वो प्रारूप इस तरह का है कि ब्रूटस को फ्लैशबैक्स में या रिकलेक्शंस में बातें याद आती रहती हैं और उन रिकलेक्शंस में हमें उसके बारे में जानकारी मिलती जाती है। ही चूजेस द जंगल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एस्केप प्रीवियस कंपेनियंस और अर्लियर पीपल नोन टू हिम who have rebelled or agitated against him. Why the protagonist chooses the jungle to take shelter is that he does not want to come in contact with previous companions, people who are known to him earlier. So the protagonist Brutus does not want to come in touch with those people who he knew earlier. Jin logon ko ye pehle se janta tha ye unke sampark mein ab nahi aana chahta hai, isliye isne jungle ko chuna hai.
क्यों ये उनके संपर्क में नहीं आना चाहता, हु हैव रिबेल्ड और एजिटेटेड अगेंस्ट हिम, बिकॉज देर वर पीपल हु हैड रिबेल्ड और एजिटेटेड अगेंस्ट हिम, ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था या इसके खिलाफ कोई कार्यवाही की थी, विद्रोह किया था, ऐसे लोगों के ये संपर्क में नहीं आना चाहता है. He wants to remain unnoticed and carry on his plans as he is very intelligent. Now, because he is intelligent, practical, witty, brainy, for that reason, he wants to carry on his plans silently without getting noticed at the early stage. क्योंकि ये कुशाग्र बुद्धि है, कल्पनाशील है, व्यवहारिक ज्ञान भी है, और इसका इस मस्तिष्क बहुत तेज चलता है, कुशाग्र है, तो इन मानसिक गुणों के कारण ये अपने योजना को, अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहता है बिना किसी के नोटिस में आए, किसी को पता ना चले और ये अपना काम चुपचाप कर पाए, इसलिए ये अलग रहना चाहता है. The original title of the play was The Silver Bullet. The play is one of O'Neill's major experimental works. In the introduction, we are discussing certain points which we need to know about the play. यहाँ परिचय में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो इस प्ले के बारे में हमें जानने चाहिए. इसलिए जो अगला बिंदु है वो ये है कि प्ले का ओरिजिनल टाइटल कुछ और था, और ओरिजिनल टाइटल क्या था? द सिल्वर बुलेट. इस नाटक का नामकरण शुरू में द सिल्वर बुलेट किया गया था और बाद में इसको द एम्परर जोन्स में परिवर्तित किया गया. द प्ले इज वन ऑफ ओनील्स मेजर एक्सपेरिमेंटल वर्क्स. This play is very important because it is an experimental work of the playwright. हमारे playwright ने, हमारे नाटक लेखक ने इस पर experiment किया है, इस पर प्रयोग किया है. और वो क्या है? He uses expressionism, which is a typical trait to present the world solely from the artist's subjective perspective, distorting it radically for emotional effect in order to evoke moods or ideas. What is the experiment that Eugene O'Neill has tried to do with the storyline of the Silver Bullet or the Emperor Jones? यहां नाटककार यूजीन ओनील ने अपने इस नाटक के साथ प्रयोग करने का प्रयास किया है, जिसका पहले नाम द सिल्वर बुलेट रखा गया, बाद में द एम्परर जोन्स में परिवर्तित किया गया. इसने क्या प्रयोग किया है? ही यूजेस एक्सप्रेशनिज्म. इसने एक्सप्रेशनिज्म का प्रयोग किया है. What is expressionism? It is typical trait to present the world solely from the artist's subjective perspective. Now, expressionism has an important element of subjectivity. Expressionism ka prayog jahan hota hai, wahan subjective ya vyakti vishesh ki vyaktigatata jaisa uska rujhan hai. जो उसे सही लगे, और दुनिया से मतलब नहीं है, रीति नीति से मतलब नहीं है, सिद्धांतों से मतलब नहीं है, उसे जो सही लगे बस वही विचार देना, ये एक्सप्रेशनिज्म है. तो यहां इस प्रयोग में एक्सप्रेशनिज्म का सहारा लिया गया है. डिस्टॉर्टिंग इट रेडिकली फॉर इमोशनल इफेक्ट इन ऑर्डर टू इवोक मूड्स और आइडियाज, एंड The emotional effects are important. यहां पर भावनात्मक प्रभाव लाना आवश्यक है. उसके लिए distortion को use किया गया है, उसके लिए विकृति का प्रयोग किया गया है, अर्थात
कहानी को मोड़ना, कैरेक्टर को तोड़ मरोड़ कर देना, वो सारी की सारी लिबर्टी, वो सारा की सारा प्रयोग हमारे राइटर ने किया है। यूजीन ओनील हैज एक्सपेरिमेंटेड ब्यूटिफुली बाय डिस्टॉर्टिंग द आइडियाज और द व्यूज और द वॉट एवर ही वॉन्टेड टू डू विद द कैरेक्टर्स टू मेंटेन द इमोशनल इफेक्ट इन ऑर्डर टू इवोक मूड्स और आइडियाज। Why this experimentation? This experimentation is in order to evoke moods or ideas. अलग अलग मानसिक तरंगों को या जो मस्तिष्क में बातें उठती हैं उनको महत्व देने के लिए हमारे राइटर ने, यूजीन ओनील ने यहाँ प्रयोग किया है और उसने एक्सप्रेशनिज्म का सहारा लिया है। लेकिन इसके साथ ही यूजीन ओनील ऑल्सो यूजेस रियलिज्म टू कन्वे हिज थॉट्स, बट अलोंग विद एक्सप्रेशनिज्म ही हैज यूज्ड द एलिमेंट ऑफ रियलिज्म। जहां एक ओर उसने एक्सप्रेशनिज्म का प्रयोग उपयोग किया है रचना के लिए, वहीं दूसरी ओर इसने रियलिज्म या यथार्थवाद का भी सहारा लिया है। अब कल्पनाशीलता या आपके अंदर जितनी भी आपके मन की उड़ान हो सकती है, अपनी कल्पनाओं की उड़ान हो सकती है, उतनी उड़ान भरने के बाद भी इसने यथार्थ को भी साथ में लेकर पकड़ने की कोशिश की है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत रिस्की भी था, लेकिन बहुत कुशलता से यूजीन ओनील ने इसको पूरा किया है। यूजीन ओनील हैज डन एक्सीलेंटली वेल एंड सक्सेसफुली इन मेंटेनिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर, एक्सप्रेशनिज्म एंड रियलिज्म। ही मेक्स यूज ऑफ एन अनरिलायबल नैरेटर एंड मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू। एंड अनदर एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट दैट ही हैज यूज्ड इज, एक और प्रायोगिक तत्व जो इसने अपने नाटक में प्रयुक्त किया है वो है एक अनरिलायबल नैरेटर और मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज को एड किया है। एक ऐसा परिचायक है जो कहानी को बोल रहा है, वृत्तांत हमें दे रहा है, लेकिन उसका कोई, वो मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज हमें देता है, वो इतने तरह के विचार व्यक्त करता है कि हम एक विचार से दूसरे विचार पर जाने के लिए, फ्लोट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन है, ये प्रयोग है, और प्रयोग करने में जहां रिस्क होता है वहां पर उतना ही उसमें यह भी एक फायदा होता है कि उसमें यदि सफलता मिल जाती है तो वो हिट हो जाता है। और इस नाटक के साथ यही हुआ है कि यह हिट हो गया। द ब्राइटर साइड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज दैट ऑल्दो इट इज वेरी रिस्की to write in a new format, in a new way, if it is successful, then it is mega successful. So here we find that Eugene O'Neill was able to achieve that mega success. The play was also a commentary on the US occupation of Haiti after bloody rebellions there, an act of imperialism that was much condemned in O'Neill's radical political circles in New York. Now the play was a commentary because we are discussing points. हम introduction की बात कर रहे हैं जिसमें हम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो एक के बाद एक हमारे बिंदु बदलते चले जा रहे हैं और सारे बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। द प्ले वॉज ऑल्सो अ कॉमेंट्री ऑन द यूएस ऑक्यूपेशन ऑफ याती आफ्टर ब्लडी रिबेलियंस देयर, एन एक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म दैट वॉज मच कंडेम्ड इन ओनील्स रेडिकल पॉलिटिकल सर्कल्स इन न्यूयॉर्क। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले, एंड दैट इज दैट इट इज अ कॉमेंट्री ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ याती आफ्टर ब्लडी रिबेलियंस। हयाती में जो खून खराबा हुआ था, उस खून खराबे के, उस रक्त रंजित विद्रोह के बाद
जो इंपीरियलिज्म हुआ था, एन एक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म दैट वाज मच कंडेम्ड इन ओनियल्स रेडिकल पॉलिटिकल सर्कल्स इन न्यूयॉर्क. आफ्टर दैट केम इंपीरियलिज्म, खून खराबा हुआ, रक्त रंजन हुआ, उसके बाद इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद आया. ये यूजीन ओनील के रेडिकल पॉलिटिकल सर्कल्स में कंडेम हुआ था, जो उसका मूल राजनीतिक विचारधारा वाला सर्कल था, दायरा था, उसमें इसकी बहुत भर्त्सना की गई थी. इंपीरियलिज्म इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज और कॉलोनीज विच आर नॉट एज रिच एंड पावरफुल एज इटसेल्फ. नाउ व्हाट इज इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक राजनीतिक व्यवस्था होती है. इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद, ये एक साम्राज्यवाद एक राजनीतिक व्यवस्था होती है. इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज, वेयर अ रिच एंड पावरफुल कंट्री, वन हु इज मोर रिसोर्सफुल, वन हु नोज टू होल्ड द अदर कंट्रीज, ऐसा एक राज्य जो बाकी के सारे राज्यों से आकार प्रकार प्रभाव शक्ति में बड़ा है, वो बाकी के सारे आसपास के राज्यों को कंट्रोल करता है, और कंट्रीज और कॉलोनीज विच आर नॉट एज रिच एंड पावरफुल एज इटसेल्फ, बिकॉज द अदर कंट्रीज दे आर नॉट एज रिच एंड पावरफुल एज इटसेल्फ, क्योंकि बाकी के जो राज्य हैं या अड़ोस पड़ोस वाले क्षेत्र हैं वो उसके समान ना तो धन संपन्न है, समृद्ध है, उसके समान समृद्ध नहीं है, उसके समान पावरफुल प्रभावशाली शक्तिशाली नहीं है, इसलिए ये उन पर हावी होकर के उन पर अपना राज चलाते हैं. द एम्परर जोन्स ड्रॉज ऑन ओनियल्स ओन हेल्यूसिनेटरी एक्सपीरियंस राइडिंग थ्रू द जंगल वाइल डिगिंग माइनिंग सर्चिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग फॉर गोल्ड इन होंडुरास इन 1909. Another important point for introduction is the Emperor Jones draws on O'Neill's own hallucinatory experience. Here, there is a subjective point to be noted. यहाँ एक ऐसा बिंदु है जो यूजीन ओनील के साथ व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ है, जो इंट्रोडक्शन को पढ़ने के लिए हमें हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि यूजीन ओनील के अपने अनुभव में हेलिसिनेटरी एक्सपीरियंस था, मन को भ्रमित करने वाला या मन को भटकाने वाला एक अनुभव उसका था. वो अनुभव कब था? व्हाइल राइडिंग थ्रू द जंगल डिगिंग माइनिंग सर्चिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग फॉर गोल्ड इन होंडुरास इन 1909 व्हेन ही हिमसेल्फ वाज द राइटर द ड्रामेटिस्ट हिमसेल्फ वाज डिगिंग माइनिंग सर्चिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग फॉर गोल्ड इन होंडुरास. 1919 में जब होंडुरास में वो स्वयं सोने की तलाश में खाने खोद रहा था या जगह जगह भटक रहा था या ढूंढ रहा था, भटकाव की स्थिति में था, वो सारा की सारा यहां पर इसने इस नाटक में दिखाया है. द एम्परर जोन्स वॉज ओनियल्स फर्स्ट बिग बॉक्स ऑफिस हिट. नाउ इन द इंट्रोडक्शन वी ऑल्सो नीड टू नो दैट इट वॉज ओनियल्स फर्स्ट बिग बॉक्स ऑफिस हिट. फॉर द audience, for the onlookers, this was a big hit. This is very important because we have seen he is taking risk, and when he is taking risk, he is experimenting, so he is taking risk. He is taking two parallel things, expressionism and realism together, parallel, although they it is difficult to carry them in a parallel manner, he does so. हमने देखा है कि हमारा लेखक, हमारा नाटककार यूजीन ओनील एक बहुत बड़ा प्रयोग करता है, वो एक्सप्रेशनिज्म को और रियलिज्म को, कल्पनाशीलता को या प्रभावशीलता को जो कि बहुत डाइल्यूट है, उसको लेकर के रियलिज्म यथार्थ के साथ जोड़ करके चलता है. इन दोनों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसने ये रिस्क ली, इसलिए उसने, और रिस्क लेने का मतलब है कि आप या तो पटक नहीं खाएंगे,
आइदर यू विल फेल मिजरेबली और इट विल बी अ मेगा सक्सेस, या ये बहुत ज्यादा सफलता की ओर आपको ले जा सकता है. यहां यूजीन ओनील के लिए ये बिग बॉक्स ऑफिस हिट हुआ. यूजीन ओनील के लिए ये एक बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस हिट बन गया, मेगा सक्सेस लेकर के आया. इट एस्टैब्लिश्ड हिम एज अ सक्सेसफुल प्ले राइट आफ्टर ही वन द प्यूलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा फॉर हिज फर्स्ट प्ले बियॉन्ड द होराइजन रिटन इन 1920. नाउ दिस वॉज अ बिग बॉक्स ऑफिस हिट आफ्टर ही हैड ऑलरेडी वन द प्यूलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा फॉर हिज फर्स्ट प्ले. यूजीन ओनील को ड्रामा के लिए, ड्रामा राइटिंग के लिए, नाटक लेखन के लिए प्यूलिट्जर प्राइज मिला था. जो इसने अपना पहला नाटक लिखा था उसके लिए मिला था, और उस पहले नाटक का नाम था बियॉन्ड द होराइजन रिटन इन 1920. बियॉन्ड द होराइजन नाम का ये नाटक, इसकी रचना इसने 1920 में की थी. To sum up, The Emperor Jones is a play about a black porter who attains power in the West Indies by exploiting the superstitions and ignorance of an island's residents. Now, we are here discussing only the introduction. We are discussing only the important points that we need to know. यहाँ पर हमने केवल परिचय की चर्चा की है, केवल बिंदुओं की चर्चा की है जो हमें जानना चाहिए, जिनके कारण ये इस नाटक की रचना हुई है और जो इस नाटक में ऐसे समाविष्ट हैं कि इसके बनावट को प्रभावित करते हैं. तो इन पॉइंट्स को जानने के बाद अब हम इसकी समीक्षा को यहाँ पर संगठित रूप से डिस्कस करते हैं. द एम्परर जोन्स इज अ प्ले अबाउट अ ब्लैक पोर्टर. इसलिए हम निष्कर्ष में ये देखते हैं कि एम्परर जोन्स एक ब्लैक पोर्टर की कहानी है. हु अटेन्स पावर इन द वेस्ट इंडीज, जो कि वेस्ट इंडीज कैरिबियन आइलैंड्स के पास जाता है और पावर गेन कर लेता है, शक्ति ग्रहण कर लेता है. कैसे ग्रहण करता है? बाय एक्सप्लॉइटिंग द सुपरस्टिशियस एंड इग्नोरेंस ऑफ एन आइलैंड रेजिडेंट्स. एक आइलैंड के रेजिडेंट्स से ही टेक्स द एडवांटेज ऑफ द सुपरस्टिशियस एंड इग्नोरेंस ऑफ द पीपल ऑफ दैट आइलैंड. That is very important because he is a brainy person. He is very intelligent and he knows how to make use of the things. He is very practical, very imaginative. So here all these traits of his have been very well exploited, very well used. हमने देखा है कि प्रोटेगोनिस्ट के अंदर ऐसे गुण हैं, कुशाग्र बुद्धि है, कल्पनाशील है, विवेकशील है. तो इसने उस आइलैंड पर देखा, उस द्वीप पर देखा कि लोग सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी हैं, इग्नोरेंट हैं, अनभिज्ञता में जी रहे हैं. और क्योंकि लोकल लोग अंधविश्वासी और अनभिज्ञ हैं, ज्ञान विहीन हैं, इसने उनका पूरा फायदा उठाया. इट वॉज इंक्लूडेड इन बर्न्स मेंटल्स द बेस्ट प्लेज ऑफ 1920 and 21. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन विच वी नीड टू नो इज दैट द प्ले वॉज इंक्लूडेड इन बर्न्स मेंटल्स द बेस्ट प्लेज ऑफ 1920 and 21. यहां परिचय में एक और बिंदु जो हमें जान लेना चाहिए वो ये है कि ये बर्न्स मेंटल के बेस्ट प्लेज ऑफ 1920 and 21 में शामिल किया गया था. तो जितना रिस्क लिया गया, जितना एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, उतना ही हमारे नाटककार को इससे फायदा हुआ. So here we see that the experimentation was successfully executed by the playwright and it brought him a mega success by making it a big box office hit. This is the introduction of the play The Emperor Jones by Eugene O'Neill. Ye Eugene O'Neill ke natak The Emperor Jones ka parichay hai. Thank you. धन्यवाद.